दोस्तों, सफलता किसी को भी थाली में सजाकर नहीं मिलती, फिर चाहे वह कोई निर्धन मनुष्य हो या फिर कोई रईस इंसान। सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत तो हर किसी को करनी पड़ती है और अपनी हार को भी जीत में बदलने का जज्बा होना चाहिए। दुनिया में ऐसे कई सफल व्यक्ति हैं जो आज सफल हैं क्योंकि उन्होंने अपनी हार पर जीत हासिल की। किस्मत नहीं, मेहनत आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाती है। आज हम आपको इस वीडियो में दुनिया के ऐसे प्रसिद्ध और कीर्ति प्राप्त हस्तियों के बारे में बताएंगे जिनकी राह में काफी अड़चने आई, पर वो उन अड़चनों से हारकर रुके नहीं बल्कि आगे बढ़ते चले गए और अपनी हार को जीत में बदल दी। स्टीव जॉब्स एक अमेरिकी बिजनेस टाइकून और आविष्कारक थे। वे एप्पल इंक के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। जॉब्स की वजह से आईफोन, आईपॉड और आईपैड हमारे पास है। स्टीव जॉब्स के माता पिता ने उन्हें अडॉप्शन के लिए दे दिया था क्योंकि वे उसे पाल नहीं सकते थे। पढ़ाई के दौरान उनको अपने दोस्त के कमरे में जमीन पर सोना पड़ता था। वे कोक की बोतल बेचकर खाने के लिए कुछ पैसे जुटाते थे और पास के ही कृष्ण मंदिर में सप्ताह में एक बार मिलने वाला मुफ्त भोजन भी करते थे। एक बार तो जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, फिर जॉब्स हारे नहीं और आज स्टीव जॉब्स डिजिटल क्रांति के पिता के रूप में जाने जाते हैं। वॉल्ट डिज्नी। दोस्तों, मिक्की माउस को गढ़ने वाले वॉल्ट डिज्नी को एक अखबार से यह कहकर नौकरी से निकाल दिया गया कि उसमें क्रिएटिविटी की कमी है। यही नहीं, यह भी कहा गया कि उनमें कल्पनाशीलता की भी कमी है और अच्छे आइडियाज भी नहीं है। इस तरह के अस्वीकृति से वॉल्ट डिज्नी और भी मजबूत बने और दुनिया को मिक्की माउस, मिनी माउस, डोनाल्ड डक और गूफी जैसे चरित्र दिए। एक अमेरिकी फिल्म निर्माता, निर्देशक, कथानक लेखक, नेपथ्य वाचक, एनिमेटर, उद्यमी, मनोरंजन, अंतरराष्ट्रीय प्रतीक और समाज सेवक थे वॉल्ट डिज्नी। डिज्नी 20वीं शताब्दी के दौरान मनोरंजन के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी आवाज की तो दुनिया दीवानी है, पर इसी आवाज के कारण ऑल इंडिया रेडियो ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था, यह कहकर कि उनकी आवाज बहुत भारी है। बिग बी की पहली 12 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई थी। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेता हैं। 1970 के दशक के दौरान उन्होंने बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की और तब से भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रमुख व्यक्तित्व बन गए हैं। अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक भी कहा जाता है। स्टीवन स्पिलबर्ग एक अमेरिकी फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक है। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार स्पिलबर्ग की कुल कमाई 3.1 बिलियन डॉलर है। वर्ष 2006 में प्रीमियर पत्रिका ने उन्हें फिल्म जगत का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति निरूपित किया था। टाइम्स पत्रिका ने उन्हें शताब्दी के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है। ईटी और जुरासिक पार्क के डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग को एक प्रतिष्ठित फिल्म स्कूल ने 3 बार रिजेक्ट कर दिया और आज उसी फिल्म स्कूल की एक बिल्डिंग स्टीवन स्पिलबर्ग के नाम से है। एल्बर्ट आइंस्टाइन। नोबेल प्राइज विजेता महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन इनके बचपन में कभी किसी ने नहीं सोचा था कि आइंस्टाइन इतने महान वैज्ञानिक बनेंगे। इनके माता पिता को लगता था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन मानसिक रूप से कमजोर है,
चार साल की उम्र तक तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल भी नहीं पाते थे और 7 साल की उम्र तक आइंस्टाइन कुछ पढ़ भी नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी इन सभी विकारों के बावजूद अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के महान वैज्ञानिक बने। इन्होंने भी अपनी हार को जीत में बदला है। जेके रोलिंग। दोस्तों, हैरी पॉटर फिल्म का नाम तो शायद हर किसी ने सुना होगा। इस फिल्म की कहानी इन्हीं की देन है। यह आज के जमाने की सबसे मशहूर लेखिकाओं में से एक है। अंग्रेजी में लिखा उनका उपन्यास क्रम हैरी पॉटर 21वीं सदी का शायद सबसे मशहूर उपन्यास है। हैरी पॉटर की रचयिता जेके रोलिंग भी बहुत गरीबी में अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। हैरी पॉटर का मनुस्क्रिप्ट 12 बार रिजेक्ट हुआ। हैरी पॉटर के रिलीज होने के पहले रोलिंग सरकारी वेलफेयर से अपना जीवन यापन कर रही थी। ओप्राह विनफ्रे। दुनिया की सबसे सफल टॉक शो की एंकर ओप्राह विनफ्रे का बचपन बहुत ही कष्टदायक रहा है। 9 वर्ष की उम्र में उनका बलात्कार हुआ। 14 वर्ष की उम्र में ओप्राह माँ बन गई। एक न्यूज चैनल ने उन्हें यह कहते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया कि वो टीवी के लिए फिट नहीं है। आज ओप्राह न केवल एक टीवी सेलिब्रिटी है, बल्कि यह नॉर्थ अमेरिका की पहली ब्लैक अरबपति भी है। उन्हें 20वीं सदी की अमेरिका की सबसे रईस अफ्रीकी अमेरिकी लिपिकार होने का भी सम्मान प्राप्त है, और एक समय में वे विश्व की अकेली अश्वेत अरबपति थी। कुछ जानकारों के अनुसार वे विश्व की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक हैं। अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का जन्म एक गरीब अश्वेत परिवार में हुआ था। वे प्रथम रिपब्लिकन थे जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बने। संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का सफर आसान नहीं था। आर्मी में एक अपमानजनक डिमोशन, कई व्यापार का असफल होना और लगातार 8 बार राष्ट्रपति का चुनाव हारना, इतनी ज्यादा असफलता किसी को भी तोड़ सकती है। पर अब्राहम लिंकन ने हार नहीं मानी। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक उनका नाम हमेशा याद किया जाता है। माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन अमेरिका के एक बहुत ही प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। इन्होंने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के द्वारा बहुत नाम कमाया है। ये एक उद्यमी है। माइकल जॉर्डन महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक है जिन्हें हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था। माइकल जॉर्डन की बायो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में कहा गया है कि माइकल जॉर्डन इस खेल के सबसे बड़े और मशहूर खिलाड़ी हैं। जॉर्डन अपनी पीढ़ी के सबसे बड़े और प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक थे। हेनरी फोर्ड। 20वीं सदी के औद्योगिक उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए हेनरी फोर्ड का नाम आता है। हेनरी फोर्ड की पहली 2 कंपनी नहीं चली और 5 बार फोर्ड का दिवालिया निकल गया। ये चीजें फोर्ड को दुनिया की एक सफल कार कंपनी बनाने से नहीं रोक पाई। हेनरी फोर्ड अमेरिका में फोर्ड कंपनी के संस्थापक थे। वे आधुनिक युग की भारी मात्रा में उत्पादन के लिए प्रयुक्त असेंबली लाइन में जनक थे। हालांकि फोर्ड ने असेंबली लाइन का आविष्कार नहीं किया। हेनरी फोर्ड एक महान आविष्कारक भी थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट छोटूनाई.com पर भी विजिट कर सकते हैं।